नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने सूर्या नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जिस सुनकर आप लोग बिल्कुल हिल जाएंगे। बिना देरी किए आज से 6 साल पहले सन 2018 में चलते हैं और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो सूर्या अपने परिवार वालों के साथ रहकर उड़ीसा के एक छोटे से गाँव में अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। सूर्या के घर में सूर्या की मम्मी पापा ये दोनों रहते थे। मम्मी थी हाउसवाइफ और पापा जॉब करते थे। सूर्या की बात करें तो 17-18 साल का था, क्लास 12th में पढ़ता था। सूर्या का ऐसा था ना कि भाई उसको घूमने फिरने का बहुत शौक था और दोस्ती बहुत मतलब मेंटेन करके रखता था, कि घूमता फिरता था तो कोई दोस्त कहीं बुलाया तो चल दिए दोस्त के साथ, तो सब कुछ मेंटेन है। सूर्या ना अपने रिलेटिव्स के घर भी बहुत जाता था। नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था कि रिलेटिव से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सूर्या को मतलब था। सूर्या ना अपनी नानी की बड़ी बहन से, मतलब सूर्या की जो नानी थी उनकी सगी बड़ी बहन से बहुत क्लोज था। बड़ी नानी कह के बहुत उनके घर जाता था। बहुत गर्मियों की छुट्टी उसने उनके घर पे स्पेंड किया था। एक दिन इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सूर्या की वही बड़ी नानी जिनसे वो बहुत क्लोज था, उनकी मृत्यु हो गई। एज हो गई थी ना 85 साल के आसपास की उम्र रही होगी। तो घर में सभी लोगों ना बहुत शौक लगा कि यार 85 साल की भले ही हो गई थी लेकिन बहुत फिट एंड फाइन थी, चलती चलती चल बसी, चलो कोई बात नहीं, तकलीफ नहीं हुई ज़्यादा। अब जो सगी बड़ी नानी थी उनका घर ना कहीं और था, दूसरे गांव में था। तो जैसे इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली सूर्या के परिवार वालों को, सूर्या को, इन लोगों ने अपनी गाड़ी बनाया और उनके गाँव पहुँच गए। अंतिम संस्कार वगैरह हुआ है। अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद फिर वो तीसरा जो होता है वो हुआ है। अब भाई कितने दिन लोग रहेंगे ना, सब लोग अपने अपने घर अब लौटने लगे, तो सूर्या लोग भी अपने घर अब अपने गांव लौट गए। भाई अपने गांव लौटने के बाद धीरे धीरे करके 2-3 दिन बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई। देखो तो किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती है, ये सच है, एक कड़वा सच। खैर सबकी ज़िंदगी कंटिन्यू हो गई और सगी बड़ी नानी के मृत्यु के एग्जैक्टली 7 दिन बाद सूर्या का एकदम बेस्ट एंड बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे आया। उसने अपने घर पर सूर्या को बुलाया। सूर्या बहुत खुश हुआ कि यार बिल्कुल मैं तेरा बर्थडे भूल गया था, मुझे ऐसा लग ही रहा था कि कुछ थोड़ा सा ऐसा माइंड डाइवर्ट करने वाली चीज़ मिले, क्योंकि मुझे बड़ी नानी की बहुत याद आती है, चल तेरे बर्थडे में आता हूँ। अब वो बढ़िया बर्थडे में गया भैया। शाम का वक्त था, यही कोई 7-7:30 बजे रहे होंगे। बढ़िया से वहाँ पे गए हैं, सब लोग सेलिब्रेट किए हैं, कोल्ड ड्रिंक, चाय, नाश्ता सब चला है दुनिया भर का। फिर घर वालों ने क्या बोले, सूर्या के दोस्त के घर वालों ने क्या बोले कि बेटा तुम दूर से आए हुए हो, तुम्हारा घर थोड़ा आगे यहाँ से दूसरे गांव में है, तो तुम खाना खाकर जाओ, घर वालों को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दो। इसने बोला कि ठीक है खाना खा लेता हूँ, कोई बात नहीं। उठाया फ़ोन और अपने घर वालों को बोल दिया। मम्मी ने बोल दी कि ठीक है खाना खा के समय पर आ जाना। अब खाना निकला है, पहले तो बढ़िया वेज मस्त वाला एकदम टेस्टी वाला खाना आया, उसके बाद इन्हीं की थाली में नॉन वेज का एक आइटम लग गया। अब सूर्या ने मस्त से खा लिया, इसको वो भी बड़ा टेस्टी लगा, मालूम था नॉनवेज है, नॉनवेज खाता भी था, बहुत बढ़िया टेस्टी लगा। अब घर जाने की सिचुएशन, सबको टाटा बाय बाय किया और घर जाने के लिए अपने दोस्त के घर से बाहर निकला। अब जैसे उसके घर से बाहर निकला तो इसको अचानक से ट्रिगर हुआ, शिट, मेरी बड़ी नानी की मृत्यु हुए अभी 13 दिन नहीं हुए हैं, 7 ही दिन हुए हैं और मैंने बढ़िया से अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में चिकन चबा लिया, ये मैंने गलत किया यार, ऐसा नहीं होता, एटलीस्ट 13 दिन तो मुझे नहीं खाना चाहिए था ना। सब लोग कहते हैं कि घर परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो एटलीस्ट 13 दिन नॉनवेज वगैरह नहीं खाओ, और मैंने तो बड़े चाव से तारीफ कर करके खा लिया यार, अच्छा नहीं लग रहा अभी, क्या कर सकते हैं, खा लिया तो खा लिया। अब वो अपनी साइकिल उठा के अपने घर को लौट गया, घर आ गया, साइकिल से ही गया हुआ था, घर पर सोने को गया। नींद ही नहीं आ रही है, नींद ही नहीं आ रही है, पूरी रात यही 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 दिमाग में आ रहा है कि मैंने क्यों खाया यार, मुझे नहीं खाना चाहिए था। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बड़ी नानी ये सारी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाती थी और उन्हीं की मृत्यु के बाद मैंने ऐसा खा लिया, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, यही सोचते रहा और ऐसे ही पूरी रात इसकी कट गई। अगला दिन हुआ, अगले दिन इसके मम्मी पापा इसको देखे, बोले तेरा चेहरा बहुत उतरा हुआ सा लग रहा है, तू पूरी रात सोया नहीं है क्या। मैं बड़ा उदास होकर मम्मी पापा के सामने पूरी बात बोल देता है, मम्मी पापा मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, मुझे नहीं खाना चाहिए था ऐसे। मम्मी पापा दोनों कहते कि हाँ तूने गलत तो किया है, एटलीस्ट इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए, लेकिन चल कोई बात नहीं, तूने रियलाइज़ कर लिया यही बहुत है, ठीक है
अब तू जा अपना सो, क्योंकि तेरी नींद वींद बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो अपने स्कूल क्लासेस आज नहीं जा पाएगा। सो, खा पी ले कुछ और सो जा। ये खा पी के अब दिन में ही सोने के लिए गया और दिन में इसे एक सपना दिखाई देता है। सपने में दिखाई देती है इसकी वही बड़ी नानी। इसके पास आती है और कहती है, ऐसा बोल के प्रॉपर कहती नहीं है, वो सपने में इसके पास आई है और उनके अंदर से इसको आवाज़ आ रही है, सपने में हो रहा है सब, कह रही है कि चल तूने इस बार तो खा लिया, लेकिन क्या अगली बार खाएगा तो तुझे ऐसा ही पछतावा होगा। और ये घबरा कर उठ गया। सपने का क्या मतलब था? सूर्या सोचने लगा, इस बार तो खा लिया ठीक है, तुझे पछतावा हुआ, क्या अगली बार खाएगा तब भी तुझे ऐसा ही पछतावा होगा? कुछ समझ में नहीं आया। इतने में सूर्या के मोबाइल की घंटी बजती, टलिंग 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 टलिंग, उठाता है। हाँ, थोड़ी नींद नींद में आवाज़ थी। इसका एक दूसरे दोस्त का फ़ोन था। बोलता है, अरे सूर्या स्कूल नहीं गया, मुझे लगा ही था नहीं जाएगा, कल बढ़िया बर्थडे मनाया हो तुम लोगों ने उसका। अभी क्या है ना कि उसका बर्थडे था और मुझे बुलाया नहीं था, मतलब जिस फ्रेंड के बर्थडे में सूर्या गया हुआ था उस फ्रेंड के बारे में ये कोई थर्ड फ्रेंड बात कर रहा है, उसका नाम रख देते हैं विजय। विजय का बर्थडे था, विजय ने तुझे तो बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया, इसलिए मैंने उसको बोला कि बेटा मुझे अलग से पार्टी देनी पड़ेगी, तो मुझे भूल कैसे गया, बचपन की दोस्ती, कुछ साल के लिए हमारा कॉन्टेक्ट क्या टूटा, तू बिल्कुल बर्थडे बर्थडे में नहीं बुलाएगा अपने 18th बर्थडे में। अब देख मैंने उसे बोल दिया हूँ वो पार्टी देने के लिए आ रहा है, तू भी आ जा फटाफट तैयार होके। तो सूर्या तो भैया फ्रेंडशिप निभाने में बहुत आगे, बोला कि ठीक है यार नींद नहीं हुई है लेकिन आ रहा हूँ, इतने उससे तू बुला रहा है और बहुत दिनों बाद तेरा फ़ोन आया है, तू था कहाँ? फ्रेंड बोलता है, अरे तू आ तो जा फिर तुझे सब बताऊँगा। दरअसल ये जो फ्रेंड था ना इसका नाम राज रखते हैं। तो राज ना बचपन में जब 7th-8th में रहा होगा तभी वो इस गांव को छोड़कर कहीं और अपने पिताजी के साथ चले गया था। इसके पिताजी लोग सब कहीं और सेटल्ड हो गए थे तो उनके साथ निकल पड़ा था। तो सूर्या और राज के बीच में ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं था। बाकी बचपन की बात करें तो सूर्या, राज और विजय, विजय मतलब जिसका बर्थडे था, ये तीनों कट्टर वाले दोस्त थे, एकदम खतरनाक वाले कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। बड़े होते होते तीनों का थोड़ा सा वो बॉन्डिंग हल्की सी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, दोस्ती अभी भी थी। यार ये बढ़िया तैयार वैयार हुआ, नहाया धोया और पहुँच गया बताई हुई जगह पे। बताई हुई जगह थी एक खुला मैदान। खुले मैदान में एक बढ़िया सा पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ तो कितना ब्यूटीफुल लगता है, आप लोगों को पता ही होगा, कितना मस्त लगता है ना। अरे मैंने एक चीज़ नोटिस किया हूँ कि पीपल के पेड़ से ना हमेशा हवा चलती रहती है, उसके आसपास रहोगे तो आपको मौसम बहुत ठंडक देगा। तो पीपल के पेड़ के नीचे बढ़िया दरी बिछा के बैठा हुआ है। सूर्या ने बोला, अरे वाह ये तो मस्त माहौल जमाया हुआ है। उतने में विजय आ गया, सब लोग आ गए, बढ़िया से वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह सब थे, निकालना हुआ, केक भी लेकर आया था अपना, राज जो था एक छोटा सा केक लेकर आया था, केक कटाई हुई है। फिर एक दो और फ्रेंड्स आ गए, फिर आई एक और लड़की, जी हाँ इनके गांव के थोड़े आगे वाले टाउन की थी, जो बचपन में इनके साथ पढ़ा करती थी, और राज ने सरप्राइज़ के तौर पर इस लड़की फ्रेंड को बुलाया हुआ था। राज ने बोला कि ये मेरी थोड़ी गर्लफ्रेंड है, मतलब समझ रहे हो ना, तो अपने इतने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था यार, अपन लोग इतनी बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे तो मैंने इसको बुला लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना विजय? हाँ सूर्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये बोलते, नहीं नहीं कैसी प्रॉब्लम हो सकती है, चलो बढ़िया है, अच्छा आओ ज्वाइन करो। ये भी बैठ गए, बढ़िया इन लोगों का चूल्हा बनाया है, मैगी वैगी बन रही है, मस्त बढ़िया से टाइम पास हो रहा है। अचानक से वो लड़की बोलती है, लड़की का नाम अपन रख देते प्राची, प्राची बोलती है, अरे शिट मैं एक चीज़ भूल ही गई। वो घूमी, अपना पर्स खोली, पर्स से निकाली एक डब्बा, मस्त वाली स्मेल आ रही थी, इसमें थी मछली, अपने हाथों से बनाकर लेकर आई थी। प्राची खोलती है, तुम लोग सब लोग नॉनवेज तो खाते हो ना? सब लोग कहते हैं हाँ हम खाते हैं। और ये ना बहुत ही ऐसी स्वीट सी लड़की थी, एक ऐसी लड़की जो कुछ भी कहें तो ना ऐसा मना करने के लिए थोड़ा सा अटपटा सा लगे, तो ये मना नहीं कर पाया कोई भी, और सभी लोग मछली का थोड़ा 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 खाने लगे, और सूर्या ने भी खा लिया। बस फिर क्या था, ये सब कुछ निपट गया, यहाँ से सब कुछ हो गया ख़त्म, हाँ पार्टी ख़त्म, दिन भर जिंदगी भर तो चलती नहीं रहेगी। अब सब अपने अपने घर लौटे, फिर घर लौट रहे सूर्या, शिट अरे यार मैंने फिर नॉनवेज खा लिया, कल रात में चिकन खा लिया था जिसके चक्कर में पूरी रात नहीं सो पाया था, वो एक लड़की क्या आ गई, बातचीत बातचीत में ऐसे लगे, उसकी स्वीटनेस में मैं ऐसा खोया, क्या है यार मैंने क्यों खाया, मुझे नहीं खाना चाहिए था, गलत कर दिया मैंने।
इन छोड़ो ना यार, बड़ी नानी की मृत्यु हो गई है, कल खा लिया था कुछ नहीं हुआ। अरे दुनिया है, जो आया है उसको जाना है, हम खाना वाना क्या छोड़ सकते हैं। ऐसा सोचते 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 ये घर चले गया। इसने सोचा कि दोस्ती भी तो मेंटेन करना ज़रूरी है, और बड़ी नानी की तो उम्र हो गई थी, उनका जाना तो था, लगाव था, प्यार था, वो बात तो ठीक है, उनका जाना तो तय था। अब जिंदगी भर तो ऐसा खाना वाना छोड़ना तो कैसे पॉसिबल होगा। ये घर पहुँचा है, रात हुई, बढ़िया सोया। आज रात में फिर से इसको नानी, बड़ी नानी सपने में दिखाई दी है, और अपने थोड़े खतरनाक फॉर्म में, गुस्से में है। इसे कमरे में चलकर आई है, अजीब तरीके से चल रही है सपने में, वो भी ऐसे अपने कदम आगे नहीं बढ़ाती है, वो ऐसे एकदम ऐसा लगता है कि ट्रॉली के साथ ऐसे आगे बढ़ रही है, गुस्से में दिख रही है, और फिर से कुछ बोल नहीं रही है, उनके अंदर से आवाज आ रही है, कम से कम 13 दिन तो रुक गया होता, तुझसे सवाल की थी तो जवाब नहीं दे पाया, लगा समझ जाएगा, 13 दिन नहीं रुक सका तू मेरे लिए, अब तूने गलती कर दी है, ये बहुत बड़ी गलती है जिसके लिए तुझे पछतावा होना चाहिए, जो तुझे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, तू पछताएगा, जरूर पछताएगा। ऐसा बोल के उसके तरफ ऐसा बढ़िया झटके में, और ये घबरा कर उठा है। घबरा कर उठा तो क्या पाया कि मम्मी पापा बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं, और बाहर हमारे घर का जो मेन दरवाजा है वहां पे कोई ठाक 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 करके खटखटा रहा है या ठोक रहा है। इसने सोचा कि ये क्या सीन है यार, घर में कोई चोर वोर घुस रहा है क्या, सपने के बारे में सब भूल गया। इसको लगा घर में कोई चोर वोर घुस गया है क्या। पापा मम्मी को उठाने से पहले मैं जाकर देखता हूँ, घर पे एक डंडा रखा हुआ था, वो लठ या डंडा कह लो, वो उठाकर अपने घर के दरवाजे के बाहर बढ़ा है। जैसे दरवाजा खोला, बाहर कोई भी नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। इसने बोला ये कैसे हो सकता है, मेरा वहम रहा होगा। बोला छोड़ो जाने दो, दरवाजा बंद किया, पलटा है, एक ठंडी हवा का झोंका जो, बस इतना ही था जो अब तक इसको याद था। कट टू 2 महीने बाद, घर के सारे लोग परेशान हैं, चिंता में है, सूर्या कहां चले गया, किस अवस्था में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सूर्या अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सूर्या घर से भाग गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कोई लड़की का चक्कर है, लड़की लेके भागा है। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन घर वालों का तो अलग रहेगा ना भाई, घर वालों को तो चिंता कि हमारा बेटे को क्या हो गया। अचानक से पड़ोस की एक आंटी इनके पास आती है, सूर्या के मम्मी पापा के पास। अरे बहन जी सुनिए ना, आपका बेटा सूर्या, उसके बारे में मुझे कुछ पता चला है। मेरे भाई दरअसल एक बीमा कंपनी में काम करते हैं, वो किसी के घर गए हुए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई तो भी एक लड़का है जिसको वहाँ पे बांध के रखा गया है, और उन्होंने बोले कि वो सूर्या जैसा दिखता है। एक बार वो आए थे मेरे घर पे, शायद उस समय सूर्या को उन्होंने देखे थे, वो ऐसा बोल रहे थे। तो एकदम घबरा गई सूर्या की मम्मी, 2 महीने बाद सूर्या की ऐसी खबर मिली है। मैक्सिमम कंडीशन में तो ये लोग मान चुके थे कि सूर्या इस दुनिया में नहीं रहा है, क्योंकि सूर्या भागने भूगने वालों में से नहीं था। ये तुरंत ही बोले कि अपने भैया से बात करवाओ, फोन उन लगाया गया। भैया ने बोले कि हाँ मैंने यहाँ पर देखा हूँ, जो पड़ोसी आंटी थे उनके भैया ने इन लोगों को, सूर्या के मम्मी पापा को, उस घर तक लेकर गए जहाँ पर उन्होंने कोई बंधे हुए लड़के को देखे थे। जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो क्या पाए कि सूर्या एकदम बिल्कुल पागलों वाली अवस्था में, जंजीरों में उनके घर पर बंधा हुआ है, एक कमरे पर उसको रखे हुए, और बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है, चीखता है, और सिर्फ घास फूस जो है, घास है ना, वही खा रहा है। इन लोगों को समझ नहीं आया, बोले हमारी बेटे की ये क्या अवस्था हो गई है, पत्तियां खा रहा है, घास फूस खा रहा है। तो जिनके घर पे सूर्या था अभी, उन लोगों ने बताया कि दरअसल रात के समय हम लोग एक बारात से लौट रहे थे अपनी 4-व्हीलर से, और हमें ये बीच रास्ते में मिला था, मतलब बिल्कुल बेहोशी की हालत में। हमें लगा कि जिंदा है कि नहीं, लेकिन हमने बाहर उतर कर देखी, उसकी नब्ज चेक की तो नब्ज चल रही थी। फिर हम इसको नज़दीकी अस्पताल में लेकर गए, अस्पताल में लेकर गए तो उन्होंने बताया कि ये सब कुछ ठीक है, जब प्रॉपर होश में आया तो ऐसे पागलों जैसे हरकतें कर रहा था। फिर हमने इसको घर पे लाकर खाना दिए हैं तो खाना वाना भी नहीं खा रहा था, हमको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया। हम लोगों ने सोचे कि पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन फिर अगला सवाल मन में ये आया कि पुलिस को क्या ही इन्फॉर्म करेंगे, हमारा बेटा खुद पुलिस में है, कुछ पता चल जाएगा तो अपने आप बता देगा,
तब तक ये लड़का हमारे साथ रह लेगा, तब से हमारे साथ है। खाना वाना नहीं खाता था, सिर्फ घास खाता। घर के बाहर निकल के जो ज़मीन में घास लगी हुई थी उसको ऐसा उखाड़ उखाड़ के मुंह से खाने लगा था। तो हम लोग इसको घास और पत्तियां ही देने लगे, खाने वाली, कुछ ऐसी वैसी वाली नहीं कि जिसको खाने से कुछ नुकसान हो जाए। लेकिन रात होती तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगता कि कोई चिकन नहीं खाएगा, कोई नॉनवेज नहीं खाएगा, कोई अलग चीज़ें नहीं खाएगा, सब पत्तियां खाएंगे, सब घास खाएंगे, ऐसा ऐसा चिल्लाने लगता और चीज़ें उठा उठा के फेंकने लगता, तोड़ने लगता। इसको मार डालूंगी, इसको छोड़ूंगी नहीं, ऐसा बोल बोल के। तो हम लोग इसको बांध के ही रखना शुरू कर दिए। क्या कर सकते हैं, इलाज भी चल रहा है, ढुलाई भी चल रही थी इसके घर वालों की, और इसको हम पाल भी रहे थे। तो इसके मम्मी पापा का तो दिमाग फिर गया, बोलिए हमारे बच्चे के साथ कौन सी फिल्म बन रही है यार, बोलिए हमारा लड़का है, आप छोड़िए। अब बेटा जो था, जिनके घर पे अपना सूर्या था, उनका बेटा खुद पुलिस में था, तो सारी बातें हुई और फिर सूर्या को फाइनली छुड़ाया गया। और फिर वही आंटी, मतलब वही पड़ोसी औरत जिसके थ्रू सूर्या का पता चला था, जिसके भाई के थ्रू, वही पड़ोसी औरत ने बोली कि मैं समझ गई हूँ, इसको कुछ बाहरी हवा लगी हुई है, इलाज विलाज से कुछ नहीं होगा, आप तांत्रिक बाबा के पास ले चलो, मैं एक बाबा के बारे में जानती हूँ। इन्होंने ना लिटरली, इस पड़ोसी ने ना बहुत मदद करी, तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए उनके बताए हुए। भैया तांत्रिक बाबा ने 2 मंत्र पढ़े हैं लिटरली, और थी थोड़ी भभूत, वो उठा के ऐसा फूके ही हैं। सूर्या ने लिया झटका और बोले, मिल गया सबक, मिल गया। मैं बहुत समय से लोगों को समझाना चाह रही थी लेकिन लोग समझ नहीं रहे थे, ये तो मेरा बच्चा था ना, इसको तो समझना चाहिए था। 13 दिन नहीं रुक पाया, सिर्फ 13 दिन, मैं मरी नहीं, और इसने 2-2 बार वो खा लिया जिसे मैं हाथ भी नहीं लगा सकती थी। समझना तो चाहिए था, इसी के परिवार की थी, मैं सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी और मैं सिखा रही हूं। अगर तुम लोगों को खुशहाली से जीना है ना, इन लोगों को मम्मी पापा को देख के बोलती है, मतलब अब सुरेश बोल रहा है, आप समझ चुके हैं कि कौन है इनके अंदर, सुरेश के अंदर कौन था उस समय, आप समझ चुके हैं। तुम लोगों को अगर खुशहाली से जीना है ना, जिंदगी में कभी भी नॉनवेज को हाथ मत लगाना, वरना कोई अच्छे से नहीं रह पाओगे, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। ये हाथ छोड़ के, नहीं हम कभी नॉनवेज नहीं खाएंगे, माफ कीजिए, जीवन में कभी नहीं खाएंगे, ये बच्चा तो आपका ही है ना, आपने हमेशा इससे इतना प्यार करी हो, इसको छोड़ दो। हाँ छोड़ दूंगी, सिर्फ सबक सिखाने आई थी, सिखा रही हूँ, सिखा दूंगी, ऐसा बोल के सो गया। सूर्या सो गया। बाबा जी ने बोले कि आप तो जान ही गए कि क्या हुआ क्या नहीं, ये खुद से ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लेकर जाओ, जब ये होश में आए तो गंगा जल है आपके पास, गंगा जल? बोले नहीं गंगा जल नहीं। बोले ये लो गंगा जल, थोड़ी सी बॉटल में दिए, बोले पिला देना लड़के को, और बढ़िया जो 21 दिन तक है, बढ़िया गंगा जल का पानी डाल के इसको स्नान कराओ, सब ठीक हो जाएगा, खिलाओ पिलाओ, कमजोरी लगे तो हॉस्पिटल ले जाओ, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हाँ ध्यान रखना, नॉनवेज आपको कभी नहीं खाना है। वो दिन था और आज का दिन है, 6 साल हो गया है, सूर्या के घर पे किसी ने भी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया है, और सूर्या के साथ ऐसा कुछ कभी रिपीट भी नहीं हुआ। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद सूर्या ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा, और सोचा कि सबको पता चले तो एक अच्छी सीख मिल जाए कि भाई घर में किसी की मृत्यु हो तो 13 दिन तक एटलीस्ट नॉनवेज ना खाए। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक अच्छी सीख, जानकारी और मनोरंजन जरूर मिला होगा। इसी बात पे अब तक वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।